यहाँ पे हम बना रहे हैं मसाला भिंडी। तो मैंने एक चम्मच जितना ऑयल ले लिया है। अभी ये ऑयल में हम जो अच्छी है भिंडी वो डाल देंगे और इसमें हम थोड़ा नमक डालेंगे और इसको हम 5 मिनट तक सौते कर लेंगे। तो ये भिंडी को मैंने 5 मिनट सौते कर ली। अभी इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। ये भिंडी को मैंने बाहर ले लिया है। अभी वही कढ़ाई में हम वापस से 2-3 चम्मच ऑयल ले लेंगे। अभी इसमें हम डाल देंगे 2-3 रेड चिली, ड्राई रेड चिली और जीरा। इसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज और लहसुन कटा हुआ। अभी मसाले के हिसाब से हम इसमें डालेंगे हल्दी, रेड चिली पाउडर, धनिया जीरा और नमक। इसको कर देंगे हम अच्छे से मिक्स। तो ये मसाला भिंडी एकदम आपके रेस्टोरेंट स्टाइल में बनेंगी, बहुत ही टेस्टी और एक नंबर। अभी इसमें हम डालेंगे 2 टमाटर की प्यूरी। तो टमाटर के साथ हमारा मसाला अच्छे से कुक हो गया है। अभी इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच काजू की पेस्ट। आप चाहो तो अभी इस टाइम पे दही डाल के दही भिंडी भी बना सकते हो, लेकिन आज हम बना रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी मसाला, एक नंबर रेसिपी है। इसमें हम डाल देंगे थोड़ा पानी और हम डालेंगे गरम मसाला और कस्तूरी मेथी और हम डाल देंगे इसमें जो हमने भिंडी फ्राई की है वो। इसको कर देंगे पहले हम मिक्स एक बार। और इसको हम ढक्कन लगा के 6 से 7 मिनट तक कुक होने देंगे। तो चलिए देख लेते हैं हमारी भिंडी रेडी है। वाओ, एक नंबर, बहुत ही अच्छी हमारी मसाला भिंडी रेडी हो गई है। इसमें हम डाल देंगे कोथमीर यानी धनिया। तो चलिए सर्व करते हैं मसाला भिंडी एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में। ऊपर से थोड़ी हम धनिया डाल देंगे। तो ये हो गई हमारी भिंडी मसाला। तो फाइनली हमारा भिंडी मसाला रेडी हो गया है खाने के लिए। वीडियो पसंद आए तो जरूर से लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।